हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस 4.0 में स्वागत है। मैं विकास, आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ दोस्तों। और दोस्तों, आज जो हमारी सेकंड शिफ्ट थी उसका एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है दोस्तों। और दोस्तों, उसके जो क्वेश्चन है वो बच्चों ने मुझे भेज दिए हैं, जो कि 100% रियल है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, पहला सवाल किस प्रकार से पूछा गया था। भारत की पहली पैरा ओलंपिक एकेडमी की स्थापना कहाँ की गई? इसका जो सही आंसर है दोस्तों है लखनऊ। लखनऊ में इसकी स्थापना की गई, आपको ध्यान रख लेना है। देखिए दोस्तों, दूसरा सवाल, पंचमढ़ी हिल स्टेशन में कौन सा जानवर पाया जाता है? इसका जो आंसर था दोस्तों वो था चिंगारा। और जो पंचमढ़ी हिल स्टेशन है कहाँ पर है दोस्तों? ये है मध्य प्रदेश में, आपको ध्यान में रख लेना है। चलिए दोस्तों, अगला सवाल, IOC की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह 1959। और जो IOC की फुल फॉर्म है दोस्तों वह इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, आपको ध्यान में रख लेना है। देखिए दोस्तों, अगला सवाल, IIT मद्रास के द्वारा कौन सा रोबोट विकसित किया गया? इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह होमो सेप दोस्तों। और दोस्तों, जो ये IIT मद्रास है, इसने ही हमारा 5G टेस्टिंग लॉन्च किया था दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला सवाल, सर्वाधिक विकेट लेने वाली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है झूलन गोस्वामी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है 10। 10 बिल्कुल एकदम करेक्ट जवाब है। चलिए दोस्तों, अगला सवाल, साहित्य का पहला नोबेल किसे दिया गया था? इसका जो सही आंसर है दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर। और कब दिया गया था? 1913 में, आपको ध्यान में रख लेना है। और किसके लिए दिया गया था? गीतांजलि पुस्तक के लिए इनको साहित्य का नोबेल दिया गया था दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, अगला सवाल, अंबेडकर उत्कृष्ट योजना कब शुरू की गई? इसका जो सही आंसर है वह है 22 अप्रैल 2022, एकदम बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला सवाल, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका जो राइट जवाब है दोस्तों वो है एसिटिक अम्ल, जो कि सिरके में पाया जाता है। चलिए दोस्तों, अगला सवाल किस प्रकार से पूछा गया था, देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है दोस्तों है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता या समता, इसी को बोलते हैं। देखिए दोस्तों, अगला सवाल किस प्रकार से पूछा गया था। हरियाणा ने कोविड के लिए कौन सी योजना शुरू की है? इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है बाल सॉरी दोस्तों मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला सवाल, ग्रामीण ओलंपिक 2022 कहाँ मनाया गया? इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है गुजरात। और कब? 29 अगस्त से शुरू होगा दोस्तों ये। चलिए दोस्तों, अगला सवाल, साइमन कमीशन भारत कब आया? इसका जो सही आंसर है दोस्तों है 1928। अगर मैं इसका गठन की बात करूँ तो उसका गठन हुआ था दोस्तों 1927 में, आपको ध्यान रख लेना है। चलिए दोस्तों, अगला सवाल, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? इसका जो सही जवाब है वो दोस्तों 10 है। चलिए अगला सवाल, रोलेट एक्ट कब पारित किया गया? इसका जो सही आंसर है दोस्तों यह 13 अप्रैल 1919 में पारित किया गया और भारत में इसे काला कानून कहा गया, आपको ध्यान रख लेना है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, केरल की भाषा क्या है? इसका जो दोस्तों सही जवाब है वह है मलयालम। मलयालम की जो सॉरी दोस्तों जो मलयालम है वो केरल की भाषा है। चलिए दोस्तों, अगला सवाल, कोलकाता हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई? इसका जो राइट जवाब है वो है 1862। 1862 में कोलकाता हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल, पश्चिम बंगाल व उड़ीसा तट पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों है मैग्रोव वन। मैग्रोवा वन पाए जाते हैं दोस्तों। चलिए अगला सवाल, रेलवे के CEO कौन है? इसका जो सही आंसर है वो है विनय कुमार त्रिपाठी। चलिए अगला सवाल, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन चुने गए थे? इसका जो सही आंसर है दोस्तों है सच्चिदानंद सिन्हा, आपको ध्यान रख लेना है। चलिए दोस्तों, अगला सवाल किस प्रकार से पूछा गया था, देखिए, WTO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है जेनेवा। जेनेवा में इसका मुख्यालय स्थित है। और जो WTO की फुल फॉर्म है वह है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, आपको ध्यान में रख लेना है। चलिए अगला सवाल, कौन से ऐसे पौधे होते हैं जो दूसरे जीव को बिना मारे भोजन ग्रहण कर लेते हैं? तो दोस्तों, इसका जो राइट जवाब है वह है परजीवी। परजीवी इस प्रकार के पौधे होते हैं। तो दोस्तों, ये सवाल हमारे सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे। तो दोस्तों, अगर आपको
वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपको इसी प्रकार से एनालिसिस यहाँ पर मिलने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं अब किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।